एक ऐसे महत्वपूर्ण तत्व की शरीर में कमी जिसके कारण बच्चों में मानसिक मंदता, अपंगता, गुंगापन, बहरापन, यहाँ तक कि कभी कभी महिलाएं मृत बच्चों को भी जन्म देती हैं। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। और आज के दिन मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता 21 अक्टूबर को जो महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के दिन वर्ल्ड आयोडीन डे यानी कि विश्व आयोडीन दिवस की शुरुआत के बारे में बता रही हूँ। 1992 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम रख दिया। इसी वर्ष राज्य सरकार ने 5 दिसंबर 1992 को आदेश जारी की कर PFA अधिनियम 1954 के अंतर्गत आयोडीन रहित खाने योग्य नमक के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। और आज के दिन यानी कि 21 अक्टूबर को विश्व में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार दिवस के रूप में यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आइए जानते हैं कि आयोडीन की कमी से हमारे जीवन में क्या दुष्प्रभाव हो जाता है। वैसे तो आयोडीन अपने आप में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी अल्पता धीरे धीरे शरीर में होती है और हमें पता नहीं चलता, और अचानक से हमारे शरीर में कई तरीके के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे शरीर में बेसिकली थायराइड ग्रंथि को ठीक प्रकार से काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है जिसमें गर्दन के पास थायराइड ग्रंथि वाले स्थान पर सूजन आ जाती है। हमारे शरीर को प्रतिदिन आहार में 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है, और ये आयोडीन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। और उससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता है उन गर्भवती महिलाओं के लिए, उन छोटे बच्चों के लिए जिनका जीवन धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है। और ये दिवस सेलिब्रेट करने का एकमात्र कारण होता है कि हम अपने जीवन में आयोडीन के महत्व को समझें और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में अवेयर रहें। आयोडीन भोजन का सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसका भ्रूण के मानसिक विकास से वृद्धि के शारीरिक विकास क्रम तक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आयोडीन की कमी से बच्चों में बौद्धिक विकलांगता एवं मस्तिष्क क्षति के साथ गंभीर शारीरिक रोगों का प्रमुख कारण है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को इस दिवस के बारे में और इससे होने वाली बीमारी के बारे में ध्यान आकर्षित करना है। 2020 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 350 मिलियन लोग अल्प मात्रा में आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं, जिसके कारण आयोडीन अल्पता विकार से संबंधित बीमारी उत्पन्न हो जाती है। आयोडीन की कमी व उससे उत्पन्न खतरे के कारण भारत सरकार ने वर्ष 1962 में राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया था, जिसका नाम 1992 में बदलकर रख दिया गया राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस। आइए जानते हैं कि आयोडीन हमारे शरीर में क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। तो आयोडीन मानव के शरीर और दिमाग दोनों के ही विकास के लिए जरूरी है। आयोडीन की पूर्ति भोजन में नमक से मिलती है, मतलब हर दिन एक निर्धारित मात्रा में आयोडीन की जरूरत होती है। कम या ज्यादा मात्रा में ये शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। आयोडीन की सही मात्रा से तनाव की समस्या नहीं होती, मन शांत रहता है, दिमाग सही तरीके से काम करता है, और बाल, नाखून, दांत और स्किन संबंधी परेशानियां भी नहीं होती। लेकिन आयोडीन की पूर्ति के लिए पूरी तरह से नमक पर निर्भर ना रहें, क्योंकि नमक का बहुत ज़्यादा सेवन भी खतरे से खाली नहीं होता। आयोडीन के बहुत सारे रिसोर्स हैं जिनसे आप आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम नमक खाएं, क्योंकि अत्यधिक नमक का सेवन विभिन्न प्रकार के विकारों को जन्म दे देता है। बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आइए जानते हैं आज के दिन कि आयोडीन दिवस पर आयोडीन के और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो रोस्टेड आलू, भुने हुए आलू को रोज़ खाने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे पोषक तत्व आपको मिलते हैं। आलू के छिलके में आयोडीन, पोटेशियम और विटामिन पाया जाता है। एक आलू लगभग 40% आयोडीन का सोर्स होता है। दो नंबर है, एक कप दूध में 56 माइक्रोग्राम आयोडीन पाया जाता है, साथ ही इसमें कैल्शियम, विटामिन डी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मुनक्का, रोज 3 मुनक्का खाने से 34 माइक्रोग्राम आयोडीन आपके शरीर में जाता है, और रोज 5-6 मुनक्के खाने से आपका विटामिन ए, डी, आयोडीन फाइबर बरकरार रहता है। दही, दही में
80 माइक्रोग्राम आयोडीन होता है जो आपके दिन भर की कमी को पूरा कर देता है। दही में अच्छे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो आपको पाचन तंत्र को फिट रखने में मदद करते हैं। ब्राउन राइस में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबर रक्त में LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ब्राउन राइस में आयोडीन का अच्छा रिसोर्स पाया जाता है। शी फूड, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तेज दिमाग वाला बने तो आपको शी फूड की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। लहसुन खाने के स्वाद को बढ़ाता है, साथ में स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भी भरपूर होता है। ये कम कैलोरी युक्त होने के साथ फाइटो न्यूट्रिएंट यानी थोल से भरपूर होता है, इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और लहसुन में आयोडीन की भी मात्रा भरपूर पाई जाती है। तो ये बहुत सारे रिसोर्स हैं जो आयोडीन के कमी को पूरा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें।